नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता प्रतीक एसोसिएट वसुंधरा से आपके लिए आया हूँ 4 BHK 3 टॉयलेट का साइज। हाँ जी, 4 BHK 3 टॉयलेट इंडिपेंडेंट फ्लोर 162 मीटर में। कार पार्किंग, लिफ्ट के साथ सर्वेंट रूम भी अवेलेबल है इसमें, सर्वेंट रूम के साथ दे रहे हैं। एक फ्लोर पे एक फ्लैट है। अगर हम हॉल की बात करते हैं तो 20x18 के आसपास का हॉल है इसका। हाँ जी, 20x18 का हॉल है। सेम ओपन किचन है, पार्टीशन इसमें करा सकते हैं आप। अभी वॉल्स पे जो काम है हमारा, वॉलपेपर या टेक्सचर आपके कहने से ही, मतलब कस्टमर के ही डिवीजन पे हम टेक्सचर या वॉलपेपर लगा के देखेंगे। अगर किचन की हमारी बात करते हैं तो 8x10 का ओपन किचन है। किचन में हमने डबल ग्रेनाइट चिमनी, स्टोव, ग्लैंड का हमने इसमें दे रहे हैं। आरओ भी लगना बाकी है इसमें, आरओ का स्पेस भी दे रहे हैं। और सेल्फ की बात करते हैं तो ये बास्केट है इसमें, इसमें लाइट पुश के साथ इसमें किचन का काम किया हुआ है, तो बहुत ह्यूज स्पेस के साथ है किचन। अगर आप देखें तो प्रॉपर देखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ है। चिमनी का हॉस पाइप आउटसाइड है, बड़ी बैल्कनी है, किचन का व्यू भी बैल्कनी में दिखता है। हॉल देखिए, हॉल कितना स्पेशियस है। इसमें अभी झूमर लगने बाकी हैं, फैंस लगे हुए हैं, पीओपी फॉल सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट है। आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं इसके दो कमरे जो हमारे पीछे की तरफ हैं। ये देखिए कितना ह्यूज स्पेस है। दो जो कमरे हैं, मैं दोनों में ही अटैच बाथरूम है। दस बाई 14 का ये हमारा बेडरूम है। कैबिनेट कबर्ड इसमें बनाए हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा साइज है। ऊपर देखिए फॉल सीलिंग प्रॉपर कंप्लीट है। लाइटिंग इसमें इंटरनल करी हुई है ब्लू कलर की। अटैच बाथरूम इसमें आप देख सकते हैं, इसी में यूटिलिटी स्पेस भी है। आइए बाथरूम एक बार दिखवा देता हूँ आपको। आइए, वॉल फिटेड सैनिटरी सीट है इसमें। 10 फीट की टाइल्स पूरी लगा रखी है। शावर, टैप, बोर्स कंप्लीट है हमारे। वॉश बेसिन का पॉइंट देखिए, कितना शानदार वॉश बेसिन बनाया हुआ है इसमें। एग्जॉस्ट पॉइंट भी दे रखा है, पीछे यूटिलिटी निकलता है। टाइल फ्रेम आप देखिए, कितना गजब टाइल फ्रेम दे रखा है इसमें। तो एक कमरे के साथ ही हमारा अटैच बाथरूम है। आइए, जो इसका यूटिलिटी एरिया है वो ये देखिए, वॉशिंग एरिया। ये वॉशिंग एरिया दे रखा है इसमें, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसका। पेंट हमारा पूरा कंप्लीट है। आइए, जो हमारा दूसरा रूम है, ये 10x13 का रूम है। दूसरे रूम में हमारा बिल्कुल लाइट पेंट करा रखा है इसमें, पीओपी फॉल सीलिंग लाइटिंग का काम कंप्लीट है हमारा। आइए, ये हमारा ड्रेसिंग रूम है। तो ये ड्रेसिंग स्पेस है, आपके वार्डरोब के लिए प्रॉपर है, जो आप घर का सामान रखना चाहें। ये स्पेस दे रखा है विद स्लाइडर है, ये देखिए। तो ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है। इसी के साथ जो हमारा बाथरूम है वो अटैच है, जो हॉल के साथ भी निकलता है, तो ड्यूल एंट्री के साथ है ये बाथरूम। आइए,
तो ये हमारा दूसरा बाथरूम है, इसमें भी सेम जो मैंने आपको बताया था 2x4 की टाइल्स के साथ पूरा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन के साथ काम है। पूरा फ्रेम देखिए आप 10 फीट का है, वॉश बेसिन पॉइंट, वॉल फिटेड सीट है यहाँ पे, शावर टैब हॉट वाटर कोल्ड वाटर का है। आइए मैं इसकी अब हॉल के साथ एंट्री कराता हूँ आपकी। ये तो हमारे रूम के साथ थी, अब ये हॉल के साथ भी है। हॉल देखिए आप, दो कमरे हमारे पीछे हो गए, हॉल का स्पेस बहुत बड़ा है। अब मैं तीसरे कमरे की तरफ लेके चलूंगा आपको, आइए। तीसरा कमरा भी हमारा 11x13 का कमरा है ये, इसमें भी हमारा पेंट अभी कंप्लीट है पूरा, वॉलपेपर लगने बाकी है, ऊपर फैंस लाइटिंग पूरा काम कंप्लीट है। एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट एरिया प्रॉपर दे रखा है, ये देखिए वेंटिलेशन शाफ्ट दे रखी है इसमें, तो आपका 6x6 या 6x7 का 6x8 का भी प्रॉपर बेड लगाते हैं तो फिर भी बहुत स्पेस बचता है इसमें। ये भी हमारा हॉल के साथ ही तीसरा रूम है। अब हम चौथे कमरे की तरफ चलेंगे क्योंकि 4BHK 3 टॉयलेट का साइज है, 162 मीटर में है। आइए, जो हमारा लास्ट का रूम है वो है सर 12x16 का। हाँ जी, 12x16 का ये दूसरा रूम चौथा रूम है। इसके साथ अटैच टॉयलेट है, LED पैनल आप देख सकते हैं, बड़ा LED पैनल दिया हुआ है। ये ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट, ये देखिए आप, ये ड्रेसिंग एरिया है और उसी के साथ हमारे टॉयलेट तीसरा टॉयलेट आ जाता है। तीसरे टॉयलेट में भी सेम जो मैंने आपको बताया था, लाइट ग्रे कलर की टाइल्स है, शावर पॉइंट, स्विच टैप बोर्ड, वॉश बेसिन, वॉल फिटेड सैनिटरी इसमें कंप्लीट कर दी हुई है। तो बिल्डर ने बहुत अच्छा काम कराया हुआ है, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है, एक फ्लोर पे एक यूनिट, नीचे सर्वेंट रूम भी है, कार पार्किंग भी है, लिफ्ट के साथ ये फ्लैट है। जो अब हम रूम के साथ जब एंट्री करेंगे तो आपका बैल्कनी एरिया आ जाता है। आइए, बैल्कनी में एल्युमिनियम डोर्स का काम किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर है, देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं। आइए, बैल्कनी का एरिया की बात करता हूं तो 3.5x16 बैल्कनी देखिए कितनी हुई है। 3 AC की फिटिंग ऑलरेडी दे रखी है, ऊपर एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल पूरा दिया हुआ है, बहुत अच्छी लाइटिंग करके साथ के दिए हैं। सामने का अगर मैं स्पेस दिखाता हूँ तो 60 फीट का रोड है, मेन कमर्शियल मार्केट में है, साथ में ही स्कूल लगा हुआ है, मेटी इंटरनेशनल स्कूल भी है। नीचे का एरिया देखिए आप, बहुत स्पेस है, नीचे पार्किंग है, लिफ्ट भी दे रखी है, एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो देखिए कितना मैक्सिमम कोठियां ही बनी हुई है और ये एक फ्लैट है उनके बीच में। जयपुरिया स्कूल जस्ट साथ में लगा हुआ है यहाँ पे, इसके बिल्डिंग के जस्ट पीछे पार्क है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सिर्फ 100 मीटर के पास एक बड़ा पार्क भी है। आइए, फिनिशिंग के साथ देखिए आप इसे। दोस्तों कैसा लगा 162 मीटर में एक फ्लैट, एक फ्लोर पे एक फ्लैट, 4BHK 3 टॉयलेट के साथ, कार पार्किंग, लिफ्ट भी है, 60 मीटर के रोड पे है। तो बताइए सर कैसा लगा यह फ्लैट, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें अगर क्वेरी है तो, जरूर प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबरों पे जरूर कॉल करें। धन्यवाद।